गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर सो वेरी गुड. सो स्टूडेंट, टुडे वी न्यू थॉट ऑफ द डे, बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल. अपने आप पर विश्वास रखिए तो सब कुछ संभव है, है ना? हमें अपने आप पर क्या रखना है? विश्वास रखना है, बिलीव रखना है, ट्रस्ट, अपने आप पे अपने आप पर ही भरोसा करना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अपने आप पर विश्वास रखिए तो सारे काम आपके लिए इजी है और उसको आप कर सकते हो, है ना? एनीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल होता है. ओके, तो चलिए आज हम आपको 10 आंसर इन वन वर्ड बताएंगे. आपको इसको लर्न करना है एंड कॉपी में राइट करना है. समझ में बात आई? आपको इसको क्या करना है? लर्न करना है और कॉपी में राइट करना है. लर्न होना चाहिए, जो चीज़ हम बताते हैं उसको अपनी कॉपी में भी राइट करिए और लर्न करिए. स्कूल आपका ओपन होगा तो सारी चीज़ें आपकी कॉपी में राइट होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या कराया है, है ना? मुझे अच्छे से लर्न है, तो मैं एक एक चीज़ आपकी कॉपी में देखूँगी और विथ डेट, डेट के साथ कि जिस दिन आपका टर्न रहता है, ट्यूसडे को आपका कंप्यूटर का टर्न रहता है, तो उस डेट में आपका होमवर्क होना चाहिए. तो लेट वी स्टार्ट आंसर इन वन वर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंप्यूटर डे? कौन सा, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंप्यूटर डे? कौन से दिन हम वर्ल्ड कंप्यूटर डे, मतलब कंप्यूटर दिवस, किस दिन हम मनाते हैं? तो 2 दिसंबर. ओके, 2 दिसंबर को हम वर्ल्ड कंप्यूटर डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, 2 दिसंबर. सेकेंड है, वॉट आर द टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी? वॉट आर द टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी? जो मेन मीन्स होता है प्रमुख मेमोरी, हमारी प्रमुख मेमोरी कौन सी है, मेन मेमोरी कौन सी है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी. रैम एंड रोम हमारी टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी है, ठीक है. फिर थर्ड है, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया? सबसे पहला कंप्यूटर हमारे इंडिया में कब इंस्टॉल हुआ था, हमारे देश में, तो कब हुआ था और किस इंस्टीट्यूट से हुआ था? तो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता, है ना, कलकत्ता, नोन एज अ कोलकाता. ओके, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता. ओके, तो हम मैंने यहाँ पे कलकत्ता लिखा है, नोन एज अ कोलकाता, अब हम उसको कोलकाता बुलाते हैं, ठीक है. तो कौन सा इंस्टीट्यूट था? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता. एंड फोर्थ है हमारा, कंप्यूटर कैलकुलेट नंबर्स इन व्हाट मोड? कंप्यूटर जो हमारे नंबर्स को, हमारे डिजिट को कैलकुलेट करता है, उसको जोड़ता है, वो किस मोड में करता है? तो 3 मोड आते हैं, बाइनरी, डेसिमल एंड बाइनरी, डेसिमल और एक हेक्टा होता है. तो हमारा कंप्यूटर जिस मोड में कैलकुलेट करता है वो है हमारा बाइनरी नंबर्स. कौन सा नंबर है? बाइनरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर. कौन सा है? सुपर कंप्यूटर. फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज, सबसे पहली डिवाइस जो जोड़ने के लिए, जो गणना करने के लिए बनाई गई है, उस डिवाइस का नाम है अबाकस. उस डिवाइस का क्या नाम है? अबाकस. जो सबसे पहली, क्योंकि पहले के ज़माने में पहले के लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं था, है ना, जो अब आपका कैलकुलेटर आ गया है, जिसमें आप इजली आप ऐड कर सकते हो, चला सकते हो. लेकिन पहले ये क्या था? अबाकस जो था, जिसमें छोटी छोटी बीट्स होती, उनको जोड़ना पड़ता था. जैसे आप लोग नर्सरी से, आप LKG में है, तो आप क्या करते थे? ऐसे फिंगर पे काउंट करते थे ना, फिंगर पे काउंट करके ऐड करते थे. वैसे ये अबाकस है, इसमें छोटी छोटी बीट्स होती हैं, उन बीट्स को अगर आपको जोड़ना है, उन बीट्स को आपको कैलकुलेट करके जोड़ना पड़ता था. 7th है, फादर ऑफ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के पिता कौन है? तो चार्ल्स बेब्स. कौन है हमारे? चार्ल्स
बेस, ओके। आईपीओ स्टैंड फॉर, आईपीओ क्या है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आई मीन टू से जैसे किसी चीज़ को हम, जैसे मान लीजिए इनपुट डिवाइस हमारा जैसे कीबोर्ड हो गया, ये क्या हमारा इनपुट डिवाइस है, तो हम इसमें अपने इंफॉर्मेशन है जो भी कुछ है हम इसमें सब फीड करते हैं, फिर उसको वो प्रोसेस करता है, मतलब उसमें करता है। एग्जांपल फॉर, आप कैलकुलेटर ही ले लीजिए, हम टाइप करते, डिजिट टाइप करते हैं, उस पर प्रिंट होता है, फिर वो प्रोसेस करता है ना, प्रोसेस करके फिर आपको आउटपुट देता है, वो चीज़ें बाहर आपके स्क्रीन पे शो करता है, दर्शाता है, तो हमारा क्या है, आउटपुट हो गया। तो आपका जो आईपीओ साइकिल है वो कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर इसी पे वर्क करता है, आईपीओ साइकिल पे। कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? आईपीओ साइकिल पे। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ओके। फिर है कंप्यूटर मेन आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का मेन आउटपुट डिवाइस क्या है? वीडियो। वीडियो को हम क्या बुलाते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो को हम क्या बुलाते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ओके। फिर है एक कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली, कंप्यूटर कैसी भाषा समझता है, कैसी लैंग्वेज समझता है? तो मशीनी लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी आपकी लैंग्वेज तो नहीं समझेगा, बहुत तरह की लैंग्वेज होती है। जैसे हम लोग किसी कंट्री में जाते हैं या किसी शहर में गए, नए सिटी में, तो उस शहर में हिंदी हिंदी नहीं बोली जाती है। आपको मेनली दो भाषाएं आनी चाहिए बोलने के लिए, एक तो हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग, एंड इंग्लिश। अगर आपको दो लैंग्वेज आती है तो आप पूरे दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, ओके। तो जैसे अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप इंग्लिश का यूज़ करोगे, लेकिन कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज, हमारी हिंदी और इंग्लिश भाषा नहीं समझेगा, वो अपनी भाषा समझता है, वो मशीनी लैंग्वेज समझता है, ओके। तो ये था आपका आंसर इन वन वर्ड। हम फिर से रिपीट करते हैं, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंप्यूटर डे? दिसंबर 2। What are the two types of main memory, RAM and ROM? When was the first computer installed in India? Indian Statistical Institute, Calcutta. Computer calculate numbers in what mode? Binary. Which of the following is the most powerful type of computer? Supercomputer. First calculating device was Abacus. Father of computer, Charles Babbage. IPO stands for input process output. Computer main output device, video, visual display unit. A computer can understand only machine language. तो आपको इसको, मैंने आपको 10 बताए हैं, आपको इसको कॉपी में राइट करना है प्लस लर्न करना है। अब हम अपने न्यू चैप्टर की तरफ करेंगे, तो आपको इससे पहले हम बता दें कि आप इंडेक्स में भी आप ये मेंशन करिए, जो हम आपको एक्स्ट्रा कुछ बताते हैं इसको भी इंडेक्स में आप राइट करेंगे। तो आज का आपका थॉट था, बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल, एंड ये आपका 10 आंसर इन वन वर्ड है। सो स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने न्यू चैप्टर, ओके। तो आपका आज चैप्टर 8 है, कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर, ओके। उससे पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको नोइंग विंडोज़ के बारे में बताया था, विंडो के बारे में बताया था, क्या विंडो कैसा होता है। विंडो हमारे लिए, हमारे काम को बहुत ईजर कर देता है, बहुत आराम से कर देता है। विंडो एक पॉपुलर प्रोग्राम है जो हमारे काम को बहुत आराम से कर देता है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो हमें ये बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। विंडोज़ के बहुत सारे वर्ज़न हैं, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, और हम ये सब तो आपको पहले रिवाइज करा चुके थे। तो विंडोज़ का लेटेस्ट वर्ज़न विंडोज़ 10 आ रहा है, विंडोज़ 10 आता है, और हमने आपको बताया था कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ऑफ़ करना है। और तो चलिए, आप लोग ने होमवर्क किया है, वेरी गुड है। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो बच्चे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारा आज का चैप्टर, कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर। अब आप बताइए कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है।
कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर दोनों को ह्यूमंस ने ही बनाया है। तो दोनों को ह्यूमंस ने ही बनाया है तो और कंप्यूटर और कैलकुलेटर में डिफरेंस क्या है वो इस चैप्टर में आपको मैं बताऊंगी। तो हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर। तो हमारा जो कैलकुलेटर है वो हम आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, ओके, एंड कंप्यूटर हमारा सेकेंड पार्ट, मतलब आपको नेक्स्ट ट्यूसडे को हम सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। सेकेंड पार्ट तो उसमें हम कंप्यूटर के बारे में और भी कई चीज़ें बताएंगे। तो जैसे कि ये चैप्टर शॉर्ट है, चैप्टर छोटा है, लेकिन हम पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे कि आपको अच्छे से ये चीज़ आ जाए कि कैलकुलेटर क्या है, कंप्यूटर क्या है। तो हम कंप्यूटर का नेक्स्ट ट्यूसडे में बताएंगे। तो लेट वी स्टार्ट। स्टूडेंट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू आर टोल्ड, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हाँ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट करता है, इज दैट इवन पॉकेट कैलकुलेटर कैलकुलेट्स। जो हमारा पॉकेट कैलकुलेटर है, छोटा कैलकुलेटर है जो हमारे पॉकेट में आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर, कंप्यूटर और कैलकुलेटर में डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द सिमिलरिटीज, आपको दोनों में समानताएं बतानी क्या है बिटवीन ए कैलकुलेटर एंड ए कंप्यूटर। दे आर बोथ हैव अ स्क्रीन, दोनों में सेम स्क्रीन होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे, ये इसकी स्क्रीन है। बोथ ऑफ द डैम प्रोसेस डाटा, दोनों एक डाटा को प्रोसेस करते हैं एक साथ। बोथ हैव देम वर्क वेरी फास्ट, दोनों बहुत तेजी से काम करते हैं, आपका कंप्यूटर हो गया या कैलकुलेटर हो गया, दोनों बहुत ही तेजी से काम करते हैं। बोथ हैव देम मेक नो मिस्टेक, ना कंप्यूटर कोई गलती करता है और ना आपका कैलकुलेटर। बोथ हैव की, दोनों में कीज होती हैं, बटने होती हैं। बोथ रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, दोनों लाइट से चलती हैं, बिजली से चलती हैं। बोथ हैव देम वर्क ट्रेसली, दोनों बहुत ही इजी वर्क कर लेते हैं, ओके, दोनों बहुत ही इजी वर्क करते हैं, ओके। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ए कैलकुलेटर एंड अ कंप्यूटर। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर और कैलकुलेटर में डिफरेंस। तो कैलकुलेटर इज अ सिंगल पीस डिवाइस, कैलकुलेटर एक सिंगल पीस डिवाइस है, एक ही तरह का एक उपकरण है। कैलकुलेटर हैव अ कीबोर्ड विथ नंबर्स एंड मैथमेटिकल सिंबल, कैलकुलेटर हैव अ कीबोर्ड विथ नंबर्स, जो कैलकुलेटर है उसमें सिर्फ नंबर्स ही रहते हैं जो आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास कंप्यूटर है उसमें आपको अल्फ़ाबेट मिल जाएगा और उसमें हम हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं और उसमें हम नंबर्स भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कैलकुलेटर में नहीं है। कैलकुलेटर में ओनली सिर्फ नंबर्स ही रहते हैं जो हमारे मैथमेटिकल को, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर्स कैन प्रोसेस ओनली न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन, जैसा मैंने बताया कैलकुलेटर हमें संख्यात्मक जानकारियां देते हैं। न्यूमेरिक मीन्स होता है संख्यात्मक एंड इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है जानकारी। तो जो कैलकुलेटर हमें संख्यात्मक न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन जानकारी देते हैं। कैलकुलेटर कैन नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, कैलकुलेटर जो होता है कोई भी जानकारी को स्टोर नहीं कर सकता है, ना किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकता है, ना किसी भी जानकारी को वो स्टोर कर सकता है, ना किसी के आदेश को वो फॉलो कर सकता है, ओके। फिर है आपका मोस्ट कैलकुलेटर वर्क विथ बैटरी एंड सेल, जो ज़्यादातर कैलकुलेटर होते हैं वो बैटरी और सेल से ही चलते हैं, आपने देखा होगा बैटरी और सेल से ही चलते हैं। ए कैलकुलेटर कैन नॉट ड्रॉ पिक्चर, कैलकुलेटर जो है पिक्चर को ड्रॉ नहीं कर सकता है, ड्राइंग नहीं कर सकता है। ए कैलकुलेटर हैज अ स्मॉल स्क्रीन, कैलकुलेटर की जो स्क्रीन है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। अब हम कंप्यूटर वाला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम एक बार और भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि कैलकुलेटर को हम इजी पॉकेट में भी रख सकते हैं, है ना, पॉकेट में भी हम आराम से रख के कहीं भी जा सकते हैं। और बहुत से बच्चे जो है
स्कूल में लेके भी चले आते, तो आप स्कूल में मत लाइए बेटा, आप घर पे भी कैलकुलेटर का यूज़ मत करिए, अभी आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको आप जितना आप माइंड से हर चीज़ करेंगे उतना आपका माइंड और भी स्ट्रांग होगा, है ना। अपने दिमाग से किया करिए वो चीज़ें, है ना। कैलकुलेटर का भी यूज़ मत करिए और इन फ्यूचर भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अभी से यूज़ नहीं करेंगे, अपने माइंड में ही कैलकुलेट करिए। तो हम कैलकुलेटर को बहुत ही ईजी अपने पॉकेट में लेके जा सकते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर को नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर सुनिए, जैसे कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर और कंप्यूटर में दोनों में स्क्रीन होती है, ठीक है, और दोनों बहुत फास्ट वर्क करते हैं। कैलकुलेटर भी कोई भी गलती नहीं करता है ना कंप्यूटर, तो कैलकुलेटर हमारा सिंगल पीस डिवाइस है। कैलकुलेटर में सिर्फ नंबर्स, केवल नंबर्स ही, डिजिट ही रहती हैं, संख्याएं ही रहती हैं, वो केवल संख्याओं के लिए, कुछ भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसी के लिए, उसी को सॉल्व करने के लिए ही बना है, ठीक है। और कैलकुलेटर है जो हमारी इंफॉर्मेशन है और इंस्ट्रक्शन है, हमारी जानकारियों को स्टोर नहीं करता है, जो हम उसको देना चाहते हैं वो स्टोर करके नहीं रखेगा, है ना। आपने प्रॉब्लम अपनी सॉल्व की, फिर आप कट कर देंगे तो वो पूरा डिलीट हो जाएगा, तो वो स्टोर करके नहीं रखता है, ठीक है। फिर आपका है जो कैलकुलेटर है वो बैटरी और सेल से ही चलता है ना, बैटरी और सेल। आप उसमें बैटरी लगाइए और सेल लगाइए, अगर सेल ख़त्म हो जाए, सेल अगर वो डिस्चार्ज हो जाए तो आप न्यू सेल उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और जो कैलकुलेटर है पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकता है, मैंने आपको पहले भी बताई, ये सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए ही होता है। और कैलकुलेटर की जो स्क्रीन है वो बहुत छोटी होती है, आपने कैलकुलेटर देखा होगा, कैलकुलेटर अब बहुत सारे जो है बहुत तरह का आने लगा है ना। एक सिंपल कैलकुलेटर है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कैलकुलेटर, आपको ये पिक्चर भी ड्रॉ करना है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज का भी है, ऐड है, डिवाइड है और इनटू है, बहुत सारे हैं, प्लस है। तो हम केवल किस किस के लिए यूज़ करते हैं कैलकुलेटर का, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए, ओके। तो आपको समझ में आया कि कैलकुलेटर क्या चीज़ है, अब हम कंप्यूटर वाला सेकंड पार्ट में बताएंगे, ओके। तो चलिए आपका होमवर्क हम देख लेते हैं। आपका होमवर्क क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स करना है। चल तो स्टार्ट, बोथ कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर हैव कीबोर्ड एंड मैथमेटिकल सिंबल्स। जो हमारा कंप्यूटर है और कैलकुलेटर है वो दोनों में कीबोर्ड होता है और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक कैलकुलेटर इज़ अ सिंगल पीस डिवाइस। ए कैलकुलेटर कैन प्रोसेस ओनली न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन। कैलकुलेटर कैन नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन। ए कंप्यूटर हैज़ मैनी पार्ट्स। ए कैलकुलेटर वर्क विद अ बैटरी और सेल। फिर है आपका, ये कॉपी में करना है आपको, बी वाला, ट्रू एंड फॉल्स। कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर आर मशीन। दोनों मशीन ही है, कैलकुलेटर भी मशीन है और आपका कंप्यूटर भी मशीन है। जो चीज़ें सेल से चले, बैटरी से चले, लाइट से चले, वो सारी चीज़ें मशीन है। आपका फ्रिज भी मशीन है, आपका फ़ैन भी मशीन है, आपका फ़ोन भी मशीन है। तो जो चीज़ें चले लाइट से, बैटरी से, सेल से, जिनको चार्ज करना पड़े, वो सारी चीज़ें मशीन है। जो हमको आराम देती है वो सारी चीज़ें मशीन है। तो एक कैलकुलेटर डज नॉट वर्क विद सेल एंड बैटरीज। क्या कंप्यूटर बैटरी और सेल के बिना वर्क कर सकती है? रॉन्ग है, नहीं कर सकती है, फॉल्स। ए कैलकुलेटर डज नॉट हैव मैथमेटिकल सिंबल की। कैलकुलेटर में क्या मैथमेटिकल सिंबल की नहीं होता है? रॉन्ग, फॉल्स। एक कंप्यूटर कैन नॉट स्टोर डाटा। एक कंप्यूटर कैन नॉट स्टोर डाटा। कंप्यूटर कोई भी डाटा स्टोर नहीं कर सकती है? कर सकती है, कैलकुलेटर नहीं करती है। तो ये रॉन्ग है, फॉल्स। एक कंप्यूटर वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर का वर्क किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स बिजली से, लाइट से। ये ट्रू है। तो आपको ए बी करना है और आपका होमवर्क आपके पीडीएफ में सेंड हो जाएगा, व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगा। आपको नीट एंड क्लीन वर्क करना है। आपको कैलकुलेटर का फिगर ड्रॉ करना है और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है। हम आपको सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे और भी अच्छे से, जैसे हमने कैलकुलेटर एक्सप्लेन किया है।
वर्क आपका बेटा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकता है। घर पे रहिए, सेफ रहिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू।